Hey friends, once again you are welcome in a video lecture. This is your English guru Mahendra sir from IUC Institute. Students, इस वीडियो में सी के अलग अलग जो गुजराती मीनिंग निकलते हैं, हिंदी मीनिंग निकलते हैं, that kind of knowledge we are going to give you. सी को स भी बोला जाता है, क भी बोला जाता है और श भी बोला जाता है. ऐसे कौन से वो स्पेलिंग है, क्यों वहां पर सी को स, क और श का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है. लास्ट वीडियो में हमने आपको सी कहां पर साइलेंट जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी हैड गिवन यू. थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं. एस प्लस सी जहां पर भी साथ में हो तब आपको सी को साइलेंट रखना है. एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. साइंस, दैट मींस एस और सी, एस प्लस सी जहां पर भी साथ में हो तब आपको सी को साइलेंट रखना है. उसका एग्जाम्पल है साइंस, एस सी आई ई एन सी ई. यहां पर हमने सिर्फ एस के बारे में स बोला है, सी को साइलेंट रखना है साइंस. इस वीडियो में हम आपको सी के जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे कि सी को स भी बोला जाता है, क भी बोला जाता है और श भी बोला जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू. सो सी को स, क और श कहां पर बोला जाता है, कौन से वो स्पेलिंग है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू गिव यू. सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सी के बाद कुछ वोवल आते हैं तब सी को स, क और श पढ़ा जाता है. कौन से वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. फर्स्ट, सी को स कब पढ़ा जाता है, राइट? सी को स कब पढ़ा जाता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. सीन के बाद, सी के बाद आई ई एंड वाई. वंस अगेन, सी के बाद ई आई वाई. जो कोई भी स्पेलिंग में आपको दिखाई दे तब आप सी को स पढ़िए, राइट? सी के बाद ई आई वाई, जो भी स्पेलिंग में आपको दिखाई दे आप सी को स का उच्चारण कीजिए. आपको स्पेलिंग पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसका प्रोनाउंसिएशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. लेट्स सी सम एग्जांपल. आपको दिखाई दे रहा है सेल, सी के बाद ई है, दैट्स व्हाई वी हैव रेड सेल, सेल सी ई डबल एल. नेक्स्ट, एडवाइस, सी के बाद ई है इसलिए हमने इसको स पढ़ा, एडवाइस्ड. नेक्स्ट एग्जांपल सिनेमा, सी के बाद आपको आई दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई सिनेमा. नेक्स्ट सिटीजन, सी के बाद आई दिखाई दे रहा है, जो रूल कहता है कि ई आई वाई आता है तो हमें स पढ़ना है, दैट्स व्हाई सिटीजन. नेक्स्ट एग्जांपल साइकिल, सी के बाद वाई है इसलिए हमने इसको स पढ़ा, साइकिल सी वाई सी एल ई. स्टूडेंट्स आप देख सकते हो साइकिल को ध्यान से, दो सी दिए गए हैं, पहले वाले सी को स और दूसरे वाले सी को हमको क पढ़ना है. तो सी को क कब पढ़ना है हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. यहाँ पर सी के बाद वाई दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई इसको साइकिल प्रोनाउंसिएशन करेंगे. नेक्स्ट पॉलिसी, पी ओ एल आई सी वाई, पॉलिसी, सी के बाद वाई है, दैट्स वाई पॉलिसी. स्टूडेंट्स ये जो रूल्स हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पर सी के बाद ई आई वाई आता है आपको स पढ़ना है, ये रूल आपको 100 में से 99% काम करते हैं. लेकिन 1% अपवाद, कुछ स्पेलिंग ऐसे होते हैं जो रूल्स कर हटकर होते हैं, वहां पर रूल नहीं होता फिर भी सी को स पढ़ना पड़ता है. एक एग्जांपल देख लेते हैं अपवाद में, फसाड, एफ ए सी ए डी ई, फसाड, इमारत का अगला भाग जो होता है उसको फसाड बोलते हैं. नाउ हमने इस स्क्रीन के ऊपर आपको सी के लिए स कब पढ़ा जाता है उसकी जानकारी दी. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको सी को क कब पढ़ा जाता है, सी के लिए क कब पढ़ा जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू गिव. अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सी के बाद जब भी ए ओ यू आर एल, स्टूडेंट्स सी के बाद जब भी ए ओ यू आर एल ये जो वर्ड दिए गए होते हैं तब आपको सी का उच्चारण क करना है, राइट? लेट्स सी सम एग्जांपल. सी ए टी कैट, यहां पर सी के बाद हमें ए दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई वी विल रीड कैट. कैरी, सी के बाद ए है सो कैरी, राइट? कैरी का मतलब होता है ले जाना. देन कोबरा, सी के बाद ओ दिखाई दे रहा है सो वी वुड रीड को, सी फॉर को कोबरा. नेक्स्ट कोमा, राइट? कोमा अल्पविराम, जो हम कोमा करते हैं वहां पर सी के बाद ओ है, दैट्स व्हाई कोमा. देन सी के बाद यू दिखाई दे रहा है आपको, कर्स, उसका मतलब होता है कोसना,
बद्दुआ देना, गाली देना, that means curse. तो curse, जो c के बाद u है, that's why हमने इसको को पढ़ा. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो कल्ट, यहाँ पर भी सी के बाद यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कल्ट का मतलब होता है पंथ. स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले फर्स्ट साइड में जब दिखाया था तब कुछ वोवल दिखाए थे कि उस वोवल में आपको सी को स और श पढ़ना है, लेकिन कुछ कॉन्सनेंट भी सी के बाद आते हैं तब भी क के वक के लिए हमें सी के लिए हमें क पढ़ना है. वो कौन से जो वोवल है, आर एल एल, जब भी सी के पीछे आर और एल आता है तब सी को आपको क पढ़ना है. आप एग्जाम्पल देख सकते हो क्राई, सी आर वाई, यहाँ पर सी के बाद में कॉन्सनेंट हमें आर दिख रहा है तो हमने इसको क्राई पढ़ा. ओके, देन क्लैप, यहाँ पर सी के बाद हमें एल दिखाई दे रहा है. सो स्टूडेंट्स, हमने दो स्लाइड में दो रूल देखे. फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि सी को स का पढ़ा जाता है, जब सी के पीछे ई आई वाई आता है तब हमें सी पढ़ना है, और सेकेंड स्लाइड में हमने सी के बाद ए ओ यू आर एल आता है हमें क पढ़ना है. अब नेक्स्ट स्लाइड में सी के लिए श क पढ़ा जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी वुड टेक, राइट. सो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जब भी जो कोई भी स्पेलिंग में सी के बाद, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, सी के बाद आई ए आई ई आई ओ, अगेन सी के बाद आई ए आई ई आई ओ, जब भी कोई भी स्पेलिंग में ये जो तीन वर्ड हमें दिखाई दे तब हमें सी का उच्चारण श करना है. वंस अगेन, सी के बाद आई ए आई ई आई ओ, कोई भी स्पेलिंग अगर ऐसा दिखाई देता है तब हमें श के लिए श श पढ़ना है. आप एग्जांपल देख सकते हो स्पेशल, यहाँ पर सी के बाद आई ए है, स्पेशल. ओके, देन प्रोफिशिएंट, सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो सी के बाद आई है, आई ई है, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट. देन आप देख सकते हो प्रेशस, पी आर ई सी आई, यहाँ पर आई ओ है इसलिए हमें इसको प्रेशस पढ़ा, कीमती. ओके स्टूडेंट्स, सो ये तीन मजेदार जो रूल्स है वहां पर हम आपको सी को स क और श पढ़ना है. सो स्टूडेंट्स, अलग अलग स्लाइड में हमने आपको सी को स कब पढ़ा जाता है, क कब पढ़ा जाता है और श कब पढ़ा जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी हैव गिवन यू. स्टूडेंट्स, जब भी हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि वर्ड्स को, स्पेलिंग्स को अच्छे से पढ़े. अगर उस वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं वहीं पर हमारा इम्प्रेशन डाउन होता है. स्टूडेंट्स, जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो 9 सेकेंड में आपको जज करता है कि ये स्टूडेंट्स किस तरह से इंग्लिश बोल रहा है. यही चीज़, यही जो थ्रेट है ये दूर करने के लिए, जहाँ पर स्टूडेंट्स को स्पेलिंग्स को पढ़ने में दिक्कत होती है, यही चीज़ को हम दूर करने के लिए हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है. उसी सीरीज में हर वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आते हैं जहां पर आपको स्पेलिंग को पढ़ते वक्त दिक्कत ना हो. ओके स्टूडेंट्स, सो आने वाले हर वीडियो में ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे. इस वीडियो में हमने आपको सी के बारे में नॉलेज दिया, इसके आगे के वीडियो में भी सी कहाँ पर साइलेंट जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी हैड गिवन यू, और इस वीडियो में सी के लिए स क और श को पढ़ा जाता है, दैट नॉलेज वी हैव गिवन यू. और आने वाले वीडियो में इसी तरह से हम इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे जहाँ पर आपका इंग्लिश और इम्प्रूव हो. स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आए और आप घर बैठे बहुत ही अच्छे से पढ़ पाए. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू. फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन.